सोनाली जी बस 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 मैम थोड़ा सा ये सही, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा लेफ्ट सोनाली, थोड़ा सा यहाँ सोनाली मैम, थोड़ा लेफ्ट सोनाली मैम, सोनाली मैम लेफ्ट में, अरे नाइस साड़ी पीछे, खटप्पा को बनवाऊंगा इधर 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 मैं कोई, अरे इधर आपके राइट में, अरे क्या राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, या इधर 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 बोलो ना, बोलो तो नहीं, इधर 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 कोई है ही नहीं, मैं इधर सुंबल सेंटर, सुंबल इधर सुंबल, ये सब चलने वाला है, उधर कुछ नहीं है, आज मैं माही जी हम लेफ्ट में, माही जी यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ 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 माही जी इधर टर्न हो जाइए ना, हाँ यहाँ पे तो नहीं देखा, मैं सेंटर में हूँ, माई जी यहाँ पे यहाँ 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 यहाँ, थैंक यू माई जी, बाइट्स 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 करते आइए, जनता बाइट, जनता बाइट, मैडम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैडम यहाँ पे, अभी मैम थोड़ा सा वेट वेट हाँ वेट वेट चलिए बाइट्स करते, थैंक यू भाई, यहाँ पे भाई, यहाँ पे, यहाँ पे बाइट्स करते, बाइट्स आगे से कौन वार्म लाइट दे रहा है, वार्म लाइट अरे गंदा मिल रहा है, मानने कैसे दे, यहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट होल्ड होल्ड होल्ड, चलिए बाइट बाइट, हाँ भाई फोकस नहीं ले रहा, अरे इधर लिखा है, होल्ड होल्ड हुआ, वेट 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 क्लोज अप, होल्ड 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 होल्ड, वेट 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 वेट, कुछ सॉन्ग ही लगा दो ना, मैं यही बोल रही हूं, घूमती रहती हूं, अगर जल्दी सामने एक और चल लिख के मार, कांजे जी अभी नेक्स्ट मार का, यहां पे बस 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 बस, मैं अभी यहां पे इस साइड, इस साइड और बैक साइड, हां मैम डन डन, यस डन, अदनान भाई इधर, अदिति जी ये वाला कैमरा, काम इकड़े साइड ला, अदिति
अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 अरे होल्ड 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 वेट वेट सेंटर 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 या अरे हाँ ठवाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस साइड चलो भाई अरे रुको 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 हाँ रुको 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 रीवा रीवा कैमरा लो बस ना आप चलना ले रहे भाई थैंक यू ये रुको रे तुम लोग आओगे तो क्यों थैंक यू बोल रहे ये साइड कैमरा अंधे थाला बंदूक रख के चला हर कैमरे से बीच में तो मोबाइल से ले रहा हूं टप कर क्या भाई पीछे भी है भाई अभी बोलता हूं फोन करके उनको नाइस ज्योति चाहने का मौका वेट वेट होल्ड होल्ड अरे यहां पे बीच में आ रहे हैं ना यहां पे नहीं देखा यहां पे यहां पे ओ ये दीपक बस में लाइट चालू बंद मत करा हां अलावा है ना आई आई अब मैडम यहाँ पे अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थैंक यू भाई भाई थोड़ा ये साइड आओ ना यहाँ पे करते हैं ये सब भाई यहाँ पे हाँ ये वाले पहले यार ये बढ़िया अब बढ़िया भाई यहाँ पे होल्ड वे मनी होल्ड होल्ड भाई विशाल होल्ड भाई ये नाइस मेरा बूम रखे रहो अरे यार ये क्या है बार बार हटाना रखना लुक कैमरा मैम लुक कैमरा सेंटर लुक विशाल बूम हटा दिया जी सेंटर विशाल बूम बूम आप देख रहे हो यानी इंडिया के बेस्ट डांसर्स सो मेनी यंग टैलेंट इट इज अमेजिंग आई एम सो एक्साइटेड टू बी देयर एंड वॉच द टैलेंट दैट इज दैट यू आई नीड टू स्पीक देयर यस यस या वेल राइट नाउ अभी जो चल रहा है इंडिया के बेस्ट डांसर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज़ इट्स अमेजिंग टैलेंट तो हर आप जब भी शूट करते हो आप जाते हो और आपके सामने ये प्लेथोरा ऑफ अमेजिंग टैलेंट like a buffet it is there and you get to sample everything so it, there's nothing better than that imagine what a wonderful job I have I'm very happy ma'am it's the first time that जो वेब सीरीज थी मीडिया के ऊपर वो बहुत पसंद है आपके यहाँ लोगों ने बहुत अच्छा रहा वो रियल रविश कुमार जैसा आपने उसमें अपने कैरेक्टर आपने फॉलो किया I don't think I'm that but yeah तो कुछ पार्ट टू आ सकता है उसमें Definitely, I think the beauty of the Broken News was that ये एक बहुत ही balanced show था, जहाँ पे कि एक human touch था, and that's what we are. India is human after all. It's behind the cameras, you're all human, and that was the beauty of the series. And I love the love that we have got for it. So, I don't know if I should let the cat out of the bag, but very soon.
किस दिन मिला है क्या तू? उधर मेरे बाद भी मैं रखता है। अरे नहीं कुछ नहीं आया, ये कब पैदा से घुसता है ना। पसंद करते होंगे काफ़ी टाइम से, तो वो मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मैंने बोला आज ही पहन लेती हूँ, मैंने कुछ पहन नहीं किया था। कल खतरों खिलाड़ी मंडली का अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ पे आतरे भी रहे जो कि मंडली से थे, अर्जुना गौतम का भी नाम सामने आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हुआ जाता है।
और वो स्कूल से आ रहा है तो उसका खाने का टाइम हो जाता है, तो आई थिंक मेरी मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं तीनों बच्चों में इतनी बिजी हूँ कि मुझे उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना, रील्स बनाना, उनके साथ ही चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं। तो ये मेरे इंडोनेशिया से हिजर फसा करके डिजाइनर है उसकी ड्रेस का। आप मुझे देखना चाहते हैं टेलीविजन शो में, बट आई वाज वेटिंग फॉर टू कम बैक ऑन टीवी भाई जी। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा और उधर हम यहाँ पे यार थैंक यू हम लोग भी हैं इधर। बस इधर देखिए अंकुल जी यहाँ पे हम लोग डर गए, आप जा रही हो ऐसा। अंकुल जी इधर देखिए सेंटर में सब अपना अपना सेंटर बता रहे हो। इधर ये सेंटर है, ये आपके सेंटर में। ये क्या सुना देगा सारा ऊपर आपके आउटफिट की बात करें बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत बोल रहे हैं, क्या कुछ लुक के बारे में बताना है? मुझे लगता है ये दोनों फाइनल्स तक तो जरूर पहुंचेंगे। एंड शिव हैज दैट इन हिम। आप ज्यादा किसके साइड है मंडली? शिव क्लोज फ्रेंड है। अभी फिलहाल एंटरटेनमेंट की राज हाउस फॉर उसका वापस एक और एपिसोड शूट करने लुक कैमरा मैम लुक कैमरा एंड इट्स अ वेरी फन शो। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ शो में, बहुत मज़ा आता है। फिलहाल तो वो चल रहा है। First of all, thank you for having me here, and hamesha acha lagta hai to be with you guys and to be a part of award, and jab recognition milta hai and yahan ke apne friends se bhi mil lete hain, you know, so it's like a nice event to see each other and be a part of an award. It's always fun. And it's summer afternoon, so acha lag raha hai afternoon mein bhi event pe aana for an award. It's different. Aaj ke look ke bare mein kya? See, obviously summers काफ़ी गर्मी हो गई है मुंबई में, एंड आज का मेरा आउटफिट स्पेशली मैंने डेडिकेट किया है मुंबई के रिक्शा वालों को।
and I have a special printed rickshaw on my sari. So, and it's summers and I've seen dhoop mein din raat wo khade rehte hain, and you know, hats off to you guys, sab logon ke liye, and I think that's my little dedication to them. I am very happy that खतरों के खिलाड़ी हो रहा है and काफी लोग जा रहे हैं, मेरे भी कुछ favourites हैं and I'm really looking forward to it and I think they are all set, बस जाने ही वाले हैं, so all the best and I hope मेरे favourites ही जीते. अब आपके friends सब जा रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पाती है, Big Boss हो, हर वक्त हम कहते कि आप जाएंगे जाएंगे, इस बार आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी. टू अर्ली टू रिवील एनी थिंग, अभी पता नहीं, बट इस साल देखते हैं अगर कुछ ऐसा और मेरे टाइमिंग इस बार मैच हो गए तो ये सर डेफिनेटली. क्या क्या आएगा उसको मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर रेडी होना चाहिए, जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग है, उन चीज़ों के लिए कभी ना कभी थोड़ा आपके मन में ये सारे फियर्स हो गए कि अब पता नहीं आज मैं माफी हो जाकर क्या होने वाला है. आपने कुछ प्रैक्टिस किया है मतलब ये शो करने से पहले? मतलब मैं तो आपको लास्ट टाइम के दिन आपसे पूछा था प्रैक्टिस मुझे करने का टाइम मिलेगा कभी तो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया. जस्ट निकली हूँ मैं, फोटो आया है तो मेरे पास तो 5 दिन भी नहीं है. गुड फॉर यू, आप अपने स्वभाव के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए. मैं कुछ भी नहीं बोलूँ इन चीज़ चीज़ को. मैं ऐश्वर्य के साथ कुछ भी काम करने के तैयार हूँ, पर अभी फिलहाल घूमने के लिए. या कैमरा लुक हो गया. थैंक यू थैंक यू. ये तो सुबह का है. थैंक यू. शाइनिंग रियलिटी स्टार, सो यू नो अभी तो एक ही रियलिटी शो जीता है, काफी रियलिटी शोज है एंड आई एम श्योर यार किशन तो अ लॉट मोर टू कम, बट ये मिलके पता लग गया कि सही जा रहे हैं. ओके मैम, काफी क्रिएटिव हीरो अगर आप करें बोला है तेरे को हो गया ना, पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जानते हैं जनता कितनी बार एक्शन लिए जाते हैं, मैंने तो ज़्यादा सुना नहीं, बट डेफिनेटली मैं चीज़ों के फेवर में हूँ एंड डिसीजंस मिलना चाहिए बिकॉज सही के लिए आवाज़ उठाना और सबके लिए मिलके उठाना आई थिंक इट्स ऑलवेज अ राइट कॉज, बट जितना मैं जानती हूँ प्रोटेस्ट से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. सबने देखा ही है कि मेरी जो छोटी फैमिली है पैसे वो कितनी ज़्यादा मेहनत रहती है
I never knew how good she was until I worked with her. I didn't know how good my co-stars were until I worked with them. I didn't know how good the direction team was. So for me, it's truly more than y'all and the fans enjoying the show. I'm enjoying being a part of the show. So I think it's a beautiful show. I think my shooting also, we are having a very, very good time while shooting. We all gel well, very well. And thankfully, all of us came together and we are doing the show. Our show, I think, is a little out of the box. It's different. We knew that people मतलब हमें पता था कि अच्छा शो बनेगा बट इतने सारे लोग उसे पसंद करेंगे वी हैड नो आइडिया इट इज सो ओवरवेलमिंग जो भी हमारा रिस्पॉन्स हमें हमें शो के लिए मिला सो इट्स अमेजिंग एंड आई गॉट टू वर्क विद हिम या एनी ग्रेट क्वालिटी दैट यू सी इन द शो बिकॉज़ दिस अवार्ड इज आल्सो नेशनल क्वालिटी अवार्ड एनी क्वालिटी ग्रेट क्वालिटी दैट यू गाइस सी इन द शो ड्यूरिंग द शूट आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी अबाउट द शो इज दैट characters connect some real thing in their mind. I think they connect very well. They connect a lot more, yeah, well said, with the audience, with people. Each character, she said so rightly, stands out. You got a friend who looks like a friend. You've got someone in love who's behaving like someone in love. You've got a mother who's facing the problem of a mother. So it's very relatable. But you know what, now I've understood it actually. Since you've got that relatable, those relatable characters, and on top of that, you've got entertainment. You've got just the right match. Kuti tarif kare, but theek hai, chalta hai. Madhuri, I'm not talking about today's collection of your outfit, and you've got that very, you want to share something about
chance. But yeah, I'm wearing a dress by Nidhi. By Styling Your Soul, dressed by Nidhi and Priya. And I'm styled by Anta. Look camera. What I have from my side is, I think I am glad because mera kaam hi mujhe yahan tak lekar aaya hai. I think I owe it all to my work. अगर हम शो की बात करें तो बहुत पसंद से आपके कैरेक्टर आपके शो को क्या कहना चाहोगे? मज़ा आता है जब लोग नेगेटिव कैरेक्टर को इतना पसंद करते हैं. फॉर मी इट्स अ फर्स्ट इन माई लाइफ एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट बिकॉज ऐसा था कि नॉर्मल हीरोइंस तो बिकम्स वेरी नॉर्मल कुछ ऑफ जाके कुछ नेगेटिव करना आई थिंक इट्स अ टास्क चैलेंज एंड आई थिंक आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड आई लव द वे पीपल रिएक्ट टू दैट. मराठी बिग बॉस में जहाँ पर आपने एक रैंप वॉक करके आप एंट्री मारे थे और आपके फ्रेंड को आपने बहुत डांटा था तो डिड यू हैव रिग्रेट फॉर दैट? तो बेसिकली अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो आपका नहीं कहा कोई पसंद नहीं कर रहा था मुझे वो जो सपोर्ट कर रहा था लेकिन आपने उनको ही वो सपोर्ट इसके लिए करता था क्योंकि वो पीछे से मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें भी बोल रहा था कि मैं इसके साथ बस गेम खेल रहा हूँ. तो हो गया बहुत टाइम हो गया उसको यार भूल जाओ. I was, yes, because इज्जत पे बात आई थी. तो आर यू प्लानिंग फॉर बिकॉज शिव ठाकरे ने काफी धमाल मचाया पिछले हफ्ते दिल्ली में तो हम चाहते हैं कि आप भी जाइए और वहाँ पे आप धमाल मचाइए. क्या आप आपको अगर ऑफर आएगा तो आप करना पसंद? फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके थैंक यू. अभी यहाँ पे विजुअल्स यहाँ पे to bring good positivity, bring that out to the world peace. More people to look
सस्ती में दो महीने गा देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ चलो रोल. इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आता हूँ, अगर मिला कुछ तो मजा आएगा. मिल सकता है, मिल जाएगा, मिल जाएगा. बड़े अच्छे लगते हैं. काफी सारे लोग कह रहे हैं, काफी सारी न्यूज आ रही है. आप अगर थोड़ा सुने. ओके सो हाँ, ये बात सच है, शो ऑफ एयर नहीं जा रही. कास्ट चेंज हो गई, हम जो हाल ही के रहे, कौन आएगा वो मैं पता नहीं, बट अभी जितने भी लोग हैं हमारे शो में वो सब आई थिंक कहीं और ही देखा. मैं कहा मैं कहीं ना कहीं दिखूँगा जरूर. अभी चल रही है बातें, एज ऑलवेज कुछ ऐसा होता है, एक प्रोजेक्ट जाते हैं तो बातें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं. जैसे कुछ कन्फर्मेशन आएगा तो मैं. और रोमदीप एज यू आर हियर ऑन, वापस रोमदीप, रोमदीप रोमदीप हां क्या यार, एज यू आर हियर ऑन द एनक्यूए अवार्ड्स टुनाइट, सो सीइंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड एज कमिंग फ्रॉम सो मेनी ऑफ डेली सोप एंड नाउ देयर एज एन आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ टीवी, हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज अ ब्रांड? यार मैं तो मेरा पैशन था एक्टर बनना. मैं एज अ ब्रांड और ये सारी बातों में बिलीव नहीं करता, और ना ही मुझे ऐसा कुछ फील होता है. भाई कैमरा लो. हाँ मैं सिर्फ मेरा पैशन था और मैं फॉलो कर रहा हूँ. Anything like, tell us something about the outfit. So this outfit, my stylist right here, he got this outfit. This is a collection called Mamuda, and the designer is, it's a brand called White by Dinas. Yeah, and I wanted to keep it fun and colorful, and which is something that I generally relate to a lot. Lastly, next season, when we are going to see? Soon, very soon. I am asking everyone. Thank you so much. सबसे पहले तो ये चश्मा क्यों पहन के बैठा, मैं अंदर समझ ही नहीं आ रहा. थोड़ा क्लोज हो जाएगा दोनों जन क्लोज. 2023 आई थिंक मैं इनके साथ, मैं राहुल जी के साथ 6 साल हो गए हमारे साथ में, और आई थिंक दिस इज येट अनदर ब्यूटीफुल ईयर वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग द एंटायर मोमेंट. मजा आएगा, एंड आई थिंक मेरे कई सारे सीनियर्स ने वर्क किया है फॉर द थिंग्स. बिल्कुल उम्मीद है, ये नया लुक, ये नया लुक है किसी के लिए. मैंने डायरेक्टर को नंगा कर दिया लिटरली, एंड आई हैव नॉट फील सो, आई हैव नॉट फेल्ट सो एक्सपोज्ड इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट दिस इज ये किसी नए चीज के लिए हो रहा है. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू भाई. यहां पे, यहां पे, यहां यहां नया वहाँ कर रहा था. बहुत अच्छा अवार्ड है यार, और बहुत मजा आने वाला है. फॉरवर्ड टू दी इवनिंग, मजा आएगा. और यह बढ़िया है, मेरा खुद का ही ब्रांड लॉन्च होने वाला है कपड़ों का. सो आई फील खुद को ब्रांड बनाने से खुद का ब्रांड बनाने तक दैट्स अ गुड वे टू डू इट. कितना हेल्पफुल हो जाता है ऐसे अवार्ड शो में लाना, और उसके बाद ऐसे तरह जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है. बढ़िया है यार, मतलब ये तो अच्छा काम ही कर रहे हैं. अगर मुझे बुलाया तो अच्छा काम ही है. Look camera, look camera. Here for national quality awards. What all? They are on your side. Good evening.
for today's event, all I have is a lot of love and a lot of congratulations for everyone who's a part of this event. May this event become more bigger and more better by every year. साथी जब से ये अनाउंसमेंट हुई है लोगों के सामने खबर आई है कि यू हैव बीन मूविंग टू अदर कंट्रीज खतरे की खिलाड़ी लोगों के साइड से क्या रिस्पॉन्स है आपके फैमिली के साइड से ऐसे मुझे लगता है मेरे में कुछ प्रेशर ज़्यादा ही बढ़ गया है लोग हर किसी को मेरी बॉडी मेरी पसंद देख के लगता है कि भाई तो जीत ही जाएगी इसी चीज़ से डर लगता है मुझे काफ़ी चीज़ों से डर लगता है एंड आई होप कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ अपने आप को रॉन्ग ग्रुप करूँ घर वालों को और फ्रेंड्स को सही ग्रुप करूँ जितने भी कंटेस्टेंट से बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो देखो क्योंकि मैं अंजुम फाकी को बहुत पहले से जानती हूँ क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो यू नो बॉन्डिंग उसके साथ अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी है वहाँ जाकर पता नहीं चलेगा पता नहीं किसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन जाए थैंक यू गौरव जी सेंट्रल लोग एक और भाई बैठ गए भाई ए भाई आगे बैठ गए हो फ्रेम में हो वाइट ड्रेस भाई यहाँ पे अभी यहाँ पे थैंक यू वेट वेट होल्ड होल्ड बाय 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 थैंक यू भाई थैंक द रिस्पॉन्स इज एग्जैक्टली द सेम यू नो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक्टर अगर कुछ वक्त से है और हम उसे एक किस्म का काम करते देखते हैं तो कहीं हम अपने मन में ये इंप्रेशन बना लेते हैं कि वो वही करता है अगर वो सक्सेसफुल हो तो वो इंप्रेशन और पक्का हो जाता है देन यू नो व्हेन द एक्टर एक्सपेरिमेंट्स विद अ रोल लाइक व्हाट आई हैड इन द शो तो लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं सो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं रोज़ और हर कॉम्प्लीमेंट में सरप्राइज बहुत ज़्यादा होता है सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दैट इन अ वे इट्स अ न्यू जर्नी इट्स अ न्यू टर्न फॉर मी एंड इसके बाद जो अभी रिलीज़ है वो एक बड़ी फिल्म है गदर का सीक्वल और जिसने भी अभी मुझे राणा नायडू में देखा मैं उसे प्रॉमिस कर दूं कि अगले रोल में मैं आपको इससे ज़्यादा सरप्राइज करूँ बट गौरव जी एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है हेलो मिनी मैंने देखी थी उसमें एक अलग किरदार था राणा नायडू में एक अलग किरदार बिग बॉस की एक एंटायर जर्नी में एक अलग ही किरदार था किस तरह से आप देखो एज एन एक्टर किस तरह से मोस्ट फोकस क्या रहता है एक्सप्लोर करने में पहले तो थैंक यू इतना सब नोटिस करने के लिए हम एक्टर्स का काम आसान हो जाता है जब ऑडियंस हमें नोटिस करती है थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सी कोशिश यही रहती है कि जो अलग अलग पहलू हैं जो अलग अलग कैरेक्टराइजेशन हैं जो अलग अलग वैरायटी है उसे दिखाकर आपको एंटरटेन करें मेरा और आपका एक ही रिश्ता है मैं आपको एंटरटेन करूँगा आप मुझे उसके बदले में बहुत सारी मोहब्बत देंगे सो ये हमारी सीक्रेट डील है ठीक है तो इस सीक्रेट डील को हम बरकरार रखते हैं और मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूँ नए नए रूप में और आप मुझे यूँ No, I'm very excited to be here. This is also my first nomination for Raana Naidu as Prince, and so it's double the excitement. So for a change, I'm a proper dress-up ho ke aaya hu, kyunki you know this is the first nomination for the show, and also it's a great initiative because people from different walks of life are here, and it's great to sort of represent my own field. Bye, 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 bye. अभी भाई यहाँ पे कैसे हो भाई शिल्पा अरे शिल्पा फ्रेम में खड़ी हो यार तुम आओ साथ में कर लेते हैं मुंबले का आओ साथ में हम एक फोटो करेंगे आओ साथ में आ जाओ शिल्पा आ जा बूम हटा बूम पीछे कर बूम बूम हाँ अभी भाई भाई आ जाओ भाई ये उस कोशिश का नतीजा है उसका इनाम है ये रोल करते वक्त राणा नायडू में थोड़ा सा डर लगा था थोड़े से मन में सवाल थे डाउट्स थे बट इफ
you get this at the end of that, it's all worth it. जी अगस्त में मेरी अगली फिल्म आ जाएगी जिसका नाम गदर 2 है जो यहाँ देखकर मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज हुए देखो गदर में और भी सरप्राइज हो जाएंगे सो जी अब ये नहीं बता सकता वो फिल्म के प्रमोशन के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि उस वक्त कहना होता है ट्रेलर तो जूनियर जुलाई तक आ जाएगा ये हम एक्चुअली कल से उसका पैचवर्क शुरू कर रहे हैं जो फाइनल पैचवर्क है फिल्म का तो गदर 2 को फाइनल शूट गुड बाय हो जाएगी परसों तरसों तक फिर उसके बाद मैं बताने लायक हूँ साथ काम करना बहुत अच्छा रहा और जैसे मैंने पहले कहा गदर और सनी सर के साथ वाली बातें वो गदर की रिलीज से पहले करेंगे उस वक्त मौका ज़्यादा बेहतर होगा इतना मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ आप सब लोग जो गदर 2 का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सारी उम्मीदों को पूरा करें थैंक यू